आज बड़े ही हर्ष का विषय है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 104 वर्ष पूरे किए प्रतिष्ठा, सेवा और प्रगति की ओर। इसी को लेकर कानपुर में भी मनाया गया जश्न। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई सेंट्रल से एक पार्टी का भी आयोजन किया गया। इस उपलक्ष पर एक नया कार्ड इशू किया गया है, जिसको कहते हैं स्पर्श कार्ड, जो कि दिव्यांगों के लिए है। ये खास रिपोर्ट देखिए कानपुर से, और क्या बोले Bank's new accessible card is printed by eminent disability experts. Union Sparsh Card will provide a greater sense of security, equality, inclusivity, and independence in access to bank's customers with visual disability. Union Bank of India has marked accessibility improvements over the past months in our journey to become the best accessible bank. Union Bank of India, good people to bank. रीजनल है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कानपुर। जैसा कि आप सबको पता है, आज 11 नवंबर हमारे बैंक का फाउंडेशन डे है, और इस वर्ष हम लोग 104th फाउंडेशन डे मना रहे हैं अपने बैंक का। इस अवसर पर सेंट्रल ऑफिस लेवल से एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका लाइव स्ट्रीमिंग अक्रॉस द कंट्री हो रहा है। और हम आज यहाँ पर हमारे सारे स्टाफ सदस्य, उनके फैमिली मेम्बर्स और जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, वैल्यूड कस्टमर्स, उनके साथ बैठ करके वो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। इस स्ट्रीमिंग में आज जितने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, उसका डिटेल आप लोगों को प्रेस रिलीज में मिल जाएगा। लेकिन एक खास जो उसमें है वो ये है कि हमारा जो यूनियन मोबाइल ऐप है, उसको हम यू नेक्स्ट बोलते थे अभी तक, वो नया नाम यूनियन व्योम के नाम से भी लॉन्च हुआ है, और उसमें बहुत सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज आए हैं, प्रोडक्ट्स आए हैं। आज सबों के लिए, हमारे सभी कस्टमर्स के लिए खुशी का दिन है कि आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 104वां फाउंडेशन डे मना रहा है, और हम अपने जितने भी सम्माननीय ग्राहक हैं, उनको आज धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उन्होंने इस बैंक को इतना मजबूत बनाया है। और उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह से हमारा सहयोग करते हैं।